हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आपको पता होगा पंचायत सीजन 3 28 मई को आ रही है और आज 26 तारीख है और कल 27 यानी परसों ये सीरीज आ रही है, तो दो दिन का समय रह गया है। तो इसका सीजन 1-2 को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, करीब 4-5 साल हो गया है। तो ऐसे में पब्लिक पुरानी बातों को भूल जाते हैं, कितना ही याद रखेंगे, जो ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा मोड़ा याद रहेगा उससे ज़्यादा तो याद रहेगा नहीं। तो मैंने ऐसे में सोचा क्यों ना इसका सीजन 1-2 का रिकैप कर दिया जाए, पब्लिक के बीच में याद को ताज़ा कर दिया जाए, ताकि पब्लिक जब देखने जाए इस सीजन 3 को तो उनको याद रहे कि मैंने सीजन 1-2 में ये सब चीज़ देखा था। तो आइए बात कर लेते हैं पहले सीजन 1 के बारे में। तो इसमें मुख्य किरदार में आपको नजर आए थे सचिव जी, जिनका नाम अभिषेक था, विकास जो कि उसी कार्यालय में एक पोस्ट पर नियुक्त था। फिर उसके बाद आपको देखने को मिले थे सरपंच जी और एक उप सरपंच थे जिनका नाम प्रहलाद है, और फिर उसके बाद मंजू देवी सरपंच जी की बीवी, फिर उसके बाद रिंकी जो कि सरपंच जी की बेटी है, फिर उसके बाद विधायक जी, फिर उसके बाद विनोद जो कि गांव का एक चिरकुट था जो कॉमेडियन करता था, इधर उधर मतलब करता था। तो बात कर लेते हैं सचिव जी के बारे में, यानी कि अभिषेक के बारे में, जो कि शहर में रहते हैं और उनको एक नौकरी का तलाश होता है। तो वो फॉर्म भरते हैं तो उनका नौकरी सेलेक्ट होता है, लेकिन वो जो नौकरी का जो पेमेंट रहता है मंथली इनकम वो 20,000 रहता है। तो इसमें वो ना खुश थे क्योंकि उनका बाकी दोस्त बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा पोस्ट पर था और इनको अच्छा नहीं लग रहा था। इनको पर्सनली चाहिए था कि 1-1.5-2 लाख का पैकेज मिलता और ये आराम से रहते, तो ये सोच रहे थे। लेकिन उनका जो दोस्त होता है वो समझाता है कि बैठ के क्या करेगा, चला जा। तो ये बोलते हैं जो सचिव जी रहते हैं कि गांव देहात में जाके क्या करूंगा, इसे अच्छा रिजाइन कर देता हूँ। तो ये जो इनका दोस्त होता है वो समझाता है, तो फिर ये गांव जाते हैं। फिर उसके बाद गांव जाके इन्होंने गए फुलेरा गांव, ये कहानी है फुलेरा जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित एक गाँव का नाम फुलेरा है। तो ये फुलेरा का कहानी है दोस्तों। तो फुलेरा ये जाते हैं जो सरपंच का कार्यालय होता है वहाँ जाते हैं, तो फिर इनका जो मतलब स्वागत करने के लिए जो आते हैं प्रहलाद और विकास, तो ये जो गेट होता है उनमें ताला लगा रहता है। तो सरपंच जी आते हैं तो ताला उनका मतलब खो जाता है। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं जहाँ गया था हल्का होने वहाँ पर शायद चाबी गिरा हो, तो वहाँ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो घर जाके बोलते हैं अपनी बीवी से कि ताला तोड़ दे, तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनका जो ताला था वो उनके बीवी को दहेज मिला था, इसीलिए नहीं तोड़ सकते थे। फिर उसके बाद हाथ पछता के वो ताला टूटता है, तो इनको पहले ही में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इनको मतलब धूप में रहना पड़ा भर धूप में। और फिर उसके बाद उनको खाना पर इनवाइट करते हैं सरपंच जी, और खाना पर बुला के इनका आदर सत्कार होता है। फिर उसके बाद अगले दिन गाँव का काम में लग जाते हैं। फिर उसके बाद एक जो DM का ऑर्डर आता है, एक बच्चे हैं मतलब दो बच्चे हैं अच्छी बात, और दो से ज़्यादा बवासीर। तो ये देखकर गांव वाले भड़क जाते हैं कि दो से ज़्यादा बवासीर यानी कि तीसरे और चौथे बवासीर है, तो ये जो होता है मारा मारी हो जाता है। इसके बीच में सरपंच जी का वोट भी कट जाता है, तो सरपंच जी को याद आता है जो मोबाइल में अपना वॉलपेपर लगाए हुए थे कि सुभाष चंद्र जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने एकदम निष्पक्ष फैसला लिया, अपना पद का भी नहीं चिंता करते हुए। तो ऐसे में वो फैसला लेते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, वोट का उनको चिंता नहीं होता है। फिर उसके बाद ये सब लिखाता है, लेकिन वहीं DM का एक फिर ऑर्डर आ जाता है कि नहीं लिखने के लिए, क्योंकि एक जो कार्यालय था पंचायत का वहाँ पर गांव वाले ने ही आग लगा दिया था ऐसा सुनकर। तो ऐसे में इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया, वहाँ के पब्लिक को जाना, सरपंच से दोस्ती हुई, और उन्होंने बोला अपने सामने एक भड़ास रखा, उनका जो लैपटॉप चोरी हो जाता है मॉनिटर कार्यालय का, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया। फिर पुलिस आती है, फिर बोलती है सचिव जी चोर है ऐसा ऐसा करके, लेकिन यहाँ से फिर दोस्ती बढ़ती है। उन्होंने अपना सारा मतलब भड़ास खोल के रखा कि मैं अकेले रहता हूँ, अकेले पढ़ता हूँ, लाइट नहीं रहती है। फिर उसके बाद लाइट का इंतजाम वो करते हैं, सोलर प्लेट लगाते हैं और अपने अपने सब मतलब सोलर प्लेट लगा लेते हैं जो मतलब उस कार्यालय में बड़े बड़े पोस्ट पर रहते हैं, गांव में कोई सोलर प्लेट नहीं लगता है लाइट। तो ऐसे में गांव का वाइब दिखाया गया है, गांव का जो कल्चर होता है वो दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि गांव से हट कर थोड़ा सा चीज़ दिखा दिया और चल रहा है सारा चीज़, नहीं, गांव का एक एक चीज़ दिखाया, गांव के कैसे लोग होते हैं और गांव में कैसा मतलब काम होता है, कैसा मतलब वहाँ पे धांधली भी होता है, ये सब भी दिखाया गया है। फिर उसका सीजन 2 में आपको देखने को मिलेगा कि पब्लिक ने डिमांड किया कि सरपंच जी का सारा काम अच्छा है लेकिन
एक काम है कि उनका जो खराब है कि वो जो रोड है वो रोड बना देते, तो जो मतलब आते जाते जो लोग हैं उनका एक्सीडेंट नहीं होता, उनका गाड़ी खराब नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने सरपंच को बोला, तो सरपंच जी ने सोचा कि ये तो काम मेरा नहीं है, विधायक ने जब फंड देगा तभी काम होगा। तो विधायक के पास वो जाते हैं, तो फिर वो विधायक बोलता है कि आप जाकर धरना पर बैठ जाइए, वहाँ पे यहाँ ट्रेन स्टॉपेज नहीं रुकता। तो वहाँ पे जाते हैं, वो धरना पे रुकते हैं, फिर उसका पुलिस लाठी चार्ज करके उन्हें जेल में बंद कर देता है। फिर जेल से पुलिस ले, फिर जेल से वो सचिव जी कैसे कैसे पता करके छुड़वा कर लाते हैं, तो उनका जो गाड़ी रहता है वो विधायक जी के पास ही छूट जाता है, क्योंकि वो ट्रैक्टर में भर के जाते हैं। तो गाड़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि आप क्यों छूट करा, आपको मैंने बोला था। विधायक बोलता है कि आपको मैंने बोला था आने के लिए। तो वो इंतजार करते कि आपको पहले बोलना चाहिए इतना, सरपंच जो वहाँ के मुखिया होते वो बोलते हैं कि आपको पहले बोलना चाहिए था विधायक जी कि आप लेने आएंगे। तो विधायक जी भड़क जाते कि हम बोलेंगे आपको, मतलब कि एक एटीट्यूड होता है। तो ये सब इसमें दिखाया गया। तो वहीं पर ही वो जो कौन इनको छुड़ा के लाया पूछता है विधायक, तो वो सर जो सचिव जी होते हैं बोलते हैं कि मैं, तो उल्टा सीधा सरपंच होता है जो, सॉरी विधायक जो होता है वो गाली दे देता है। फिर उसके बाद उनको खराब लगता है जो सचिव जी हैं, ऑब्वियसली बात है किसी को भी गाली गलौज दोगे तो उसको खराब ही लगेगा। तो ये सब चलता रहता है। फिर उसके बाद उनका दूसरे दिन फिर जाते हैं वहाँ पर गाँव में, एक मतलब बोलते हैं कि आपको पर मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, मतलब 25-30 लाख रुपया आपके पर, मतलब मेरा क्या फ़ायदा है। पब्लिसिटी देखना चाहता है विधायक कि आप कितना आदमी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो हरि कीर्तन का इंतजाम कराते हैं, हरि कीर्तन में जो बुलाने जाते हैं मुख्य जो विधायक जी को, फिर विधायक जी को बुलाने जाते हैं। जैसे ही वो जो होते हैं सचिव जी, वो भड़क जाते हैं कि आप लोग विधायक क्यों बुलाइएगा, आप लोग सच्चे वाले दोस्त नहीं, हम तो दोस्ती निभा रहे हैं, आप दोस्ती निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो उनको ख़राब लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर सरपंच जी को बुलाने जाते हैं, तो सरपंच जी फिर गाली गलौज कर देते हैं कि आपको गाली गलौज नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी बोलते हैं कि नहीं सचिव विधायक जी आप गाली गलौज नहीं करिए, गाली गलौज अच्छी बात नहीं है, जो हुआ उसको भूल जाए। तो विधायक जी भड़क जाते हैं, पावर का दिखाने लगते हैं अपना कुर्सी का दबदबा कि हम हैं जो, मेरे से कुर्सी है, कुर्सी मेरे से नहीं है, हम ही से कुर्सी है, ये उनका जो दबदबा होता है। आपको पता होगा नेता विधायक का ये जो होता है, मतलब मेरे पास पावर है जो किसी के पास नहीं है, हम जनता को रगड़ के चलेंगे, ऐसा चीज़ आपको देखने को बहुत जगह मिलेगा। तो ऐसा चीज़ इसमें दिखाया गया है, गांव देहात का भी मतलब दिखाया गया है, कैसे गांव देहात में लोग एक दूसरे को फूट डालते हैं, गांव देहात में हंसी मजाक भी दिखाया गया है, वहाँ का कल्चर भी दिखाया गया, ये सब चीज़ सीरीज में दिखाया गया है। तो विधायक जी के पास वो जाते हैं अगले दिन कि मतलब मेरे आदमी को देखना चाहते हैं मैं कितना इकट्ठा कर सकता हूँ, तो ये गाली गलौज दे देते हैं। प्रहलाद जी अच्छी बात बोलते हैं कि गाली गलौज मत दीजिए। तो फिर उसका जो सरपंच जो मुखिया जो थे वो भड़क जाते हैं, फिर उसका लड़ाई करके वहाँ चले आते हैं। फिर उसके बाद वो इन्जॉय करने लगते हैं, जैसे ही मतलब दारू का पार्टी करने लगते हैं, जो सचिव जी होते हैं उन्हें टिकट करा लेते हैं कि जो विधायक हुआ रहा है इसके लिए मैं टिकट करा ले रहा हूँ, अपना गाँव जा रहा हूँ, मेरा क्या काम है, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता हूँ, और विधायक सचिव जी का चेहरा नहीं देख पाता, देखना चाहता है। तो ऐसे में उनका टिकट भी हो रहता है। फिर उसके बाद वो अपने मतलब जाते हैं फुलेरा में जो होते हैं सरपंच, और बोलते हैं कि आपका टिकट जो हो गया वो पक्का हो गया सचिव जी से, तो कहते हैं कि हाँ टिकट तो पक्का हो गया। तो देखते हैं वो जो होते हैं मुखिया वहाँ के कि हाँ टिकट तो पक्का हो गया, लो प्रहलाद फाड़ दो इसे। तो प्रहलाद जो होता है फाड़ देता है टिकट। तो फिर उसके बाद वो वहीं रह जाते हैं, कहते हैं कि 2-3 दिन बाद मैं फिर से टिकट करा दूंगा, चिंता मत लीजिए, जो मुखिया जो होते हैं वो बोलते हैं। तो इन तीनों का चारों का जो दोस्ती होता है वो पक्का हो जाता है। पहले सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, सीजन 1 में विरोधाभास रहता है, वहाँ पे कैसे स्ट्रगल करते हैं। फिर दूसरे सीरीज पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये रोड बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, दोस्ती का जो होता है वो एक औरा चलता है, कैसे मतलब मिल बांट के काम करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इन्जॉय करने लगते हैं ये चारों मिलकर, तो फिर उनके उसके बाद जो प्रहलाद होते हैं उनका जो बेटा होता है वो फौज में रहता है, तो उनका फोन आ जाता है कि उनका बेटा है जो वो शहीद हो गया है, मतलब देश के लिए मर गया। तो ये वो खबर सुन के सारा मतलब गांव शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद विधायक जी पब्लिसिटी के लिए आते हैं, तो जो मुखिया जी के बीवी होती है वो भगा देती है उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी गाली गलौज दे चुका था प्रहलाद जी को, तो ऐसे में उसका आना बहुत ही गलत बात हो सकता था, तो इसीलिए वो भाग जाता है। फिर उसके बाद उसका जो काम क्रिया होता है, मतलब शुरू से लेकर मतलब सीजन 2 तक, सीजन 2 के 7वें एपिसोड तक
ठीक सब चीज चल रहा था, खुशी खुशी खट्टा मीठा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा नोकझोंक बहुत अच्छा चीज दिखा रहा था। लेकिन लास्ट के सीजन टू के 8वें एपिसोड में ये मतलब जो सीजन खत्म की गई वो इमोशनल के साथ खत्म की, और ऐसी नहीं कि छोटी मोटी, बहुत बड़ी इमोशन के साथ खत्म की गई। जो उनका बेटा होता है वो मर जाता है, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि जो सचिव जी का है वो ट्रांसफर हो जाता है, वो लेटर लेकर डाकिया आता है, और फिर उसके बाद लेटर देखती है जो रिंकी होती है, क्योंकि सचिव जी रहते नहीं है, कहीं गए हुए रहते हैं, तो रिंकी लेटर देखती है, फिर बोलती है कि ये तो सचिव जी का ट्रांसफर लेटर है, उनकी माँ पूछती है। तो फिर उसके बाद यहाँ से ये जो सीरीज है वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद सीजन थ्री में हमें देखने को मिलेगा जो सचिव जी का ट्रांसफर है वो रुक जाता है या नहीं रुक जाता है, क्योंकि ट्रेलर में तो हमें सीजन थ्री के ट्रेलर में दिखाया गया था कि वो फिर से फुलेर आ रहे थे, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो उनका जो ट्रांसफर है वो होता है, वो रुक जाता है, वो कैसे रुकता है यही इस सीरीज में दिखाया जाएगा। क्या कुछ होता है, कौन उनका ट्रांसफर कराता है, विधायक, आई एम श्योर कि विधायक ही कराया होगा, और विधायक ने कैसे क्या किया, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला, क्या चाल खेला, ये सब चीज़ दिखाया जाएगा। और फुलेरा में रोड बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी दिखाया जाएगा। और जो प्रहलाद जी है वो अपने बेटे के मरने के गम से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, फिर से उनका जो दोस्ती का ऑरा है वो अच्छी से चलती है या नहीं चलती है, और जो फुलेरा गाँव में विकास का कार्य है वो अच्छा से रफ्तार पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, और इस चुनाव में अब कौन जीतेगा ये भी सवाल या निशान है। तो कहने का मतलब है जो सचिव जी थे वो गांव में बेमर्जी का आए थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे समझते 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 उनको ये सब चीज़ अच्छा लगने लगा और मजा आने लगा। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ को आप दूर से नहीं जज कर सकते, जाके आप समझ के जज करिए तो अच्छा लगेगा, क्या पता आपको प्यार भी हो जाए वो काम से। तो ऐसा ही कुछ सचिव जी के साथ हुआ। तो बाकी आपको इस सीरीज में मतलब ये रिकैप में कोई भी चीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये रिकैप आपको कैसा लगा। आपका जो याद था, यादा जो इसका सीरीज का वो मतलब ख़त्म हो गया था कि कुछ कुछ याद था, यही बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैं जानता हूँ मैं कहीं कहीं बहुत फंसा हूँ, लेकिन हाँ लंबी वीडियो होने के कारण फंस गया हूँ, ऐसा होता है, और आप सपोर्ट करिएगा तो मैं इसे इम्प्रूव भी करूँगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अच्छे नोटिस, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।